सिर्फ मुस्कुराते रहिए, पूरी दुनिया कंफ्यूज रहेगी, न जाने इसको किस बात का सुख है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं चैनल हेल्पिंग अभी, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक टॉपिक उठाने वाले हैं जिसको कहते हैं घोस्ट राइटिंग, जो कि फ्रीलांसिंग में अपने आप में ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है उन जैसे राइटर का जो कि घोस्ट राइटिंग करते हैं। तो मैं आज आपको इसी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा कि घोस्ट राइटिंग क्या होता है। इन शॉर्ट आप समझ लें, जो घोस्ट राइटिंग होती है वो ऐसे राइटर होते हैं जिनको बोल सकते हैं आप इनविजिबल राइटर, मतलब जो दिखाई नहीं देते हैं। घोस्ट राइटिंग जो होती है वो बहुत तरीके की हो सकती है, चाहे वो फिक्शियस हो, चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे रिलीजियस हो। आपको जिस चीज का भी इंटरेस्ट है, जिस फील्ड का भी इंटरेस्ट है, आप डेफिनेटली कर सकते हैं और घोस्ट राइटिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको अगर कुछ इससे अगर रिलेटेड अगर क्वेश्चंस हैं तो आप डेफिनेटली पूछ। और आप जैसे देखते होंगे अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर ई बुक्स आज का बहुत ज्यादा प्रचलन चल रहा है। तो ई बुक्स में क्या होते हैं कि सपोज दैट कि मुझे अपनी एक ई बुक निकालनी है, चाहे बायोग्राफी बोलिए चाहे कुछ भी बोलिए, उसको मुझे एज ई बुक में कन्वर्ट करना है। तो ई बुक में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास एक्चुअली वर्ड्स नहीं है कि मैं उसको लिख पाऊं। तो मैं क्या करता हूँ, एक घोस्ट राइटर को हायर करता हूँ जिनका काम होता है कि वो मेरी बातों को, मेरे स्टाइल्स को, मेरे आइडियाज को, मेरे हर चीज को वो अडॉप्ट करते हैं और उस चीज को वो जो मैं नरेट करता हूँ उस चीज को वो एज ए ईबुक में लिखते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि इसका क्रेडिट जो होता है वो नहीं देते हैं, बट इसके बदले में उनको पेमेंट बहुत हाई मिलती है। तो बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है जहां घोस्ट राइटिंग होते हैं उसकी काफी अच्छी पेमेंट होती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईबुक जो मैं आगे एक सीरीज चलाऊंगा, ईबुक्स जैसे होते हैं ईपॉप मूवी होते हैं कैसे क्रिएट किए जाते हैं और ईबुक्स को आपको कहां पे आपको सेल करना है या फिर कहां पे, तो मैं उसको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। तो आप जान लें घोस्ट राइटिंग जो ये करते हैं और एक्चुअली इनकी पेमेंट जो होती है बहुत ज्यादा होती है। सपोज दैट सिंपल जो घोस्ट राइटर होते हैं या फिर आप बोल सकते हैं मिड लेवल हो सकते हैं या वेटरन हो सकते हैं या सेलिब्रिटी घोस्ट राइटिंग जो करते हैं, इनकी जो पेमेंट होती है बहुत अधिक। एक बुक्स होती है मान लीजिए 20 से 25,000 वर्ड्स की होती है, तो उनके $5,000 होते हैं सिंपल के बोल सकते हैं। मिड लेवल के आप बोल सकते हैं 10,000 तक जाते हैं। अगर आप वेटरन वगैरह का करते हैं तो 15 से 20 तक चला जाता है। और जो सेलिब्रिटी के होते हैं तो अबव 25 से भी $1,000 उनको मिल जाते हैं, जिनको अराउंड में लिखने में शायद 8 दिन 10 दिन का टाइम भी लग सकता है और घोस्ट राइटिंग करें, बट उनको क्रेडिट नहीं दिया जाता है, उनको क्रेडिट इस बात की नहीं मिलती है। तो खैर कोई बात नहीं, क्रेडिट से बहुत लोग कहते हैं मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। तो इस केस में अगर आप जो भी करते हैं, अगर आर्टिकल राइटिंग वगैरह भी करते होंगे, तो वो लोग भी चाहे तो वो घोस्ट राइटिंग कर सकते हैं। और घोस्ट राइटिंग में आपको कुछ चीजें आपको मैं अपनी तरफ से टिप्स देना चाहूंगा कि आपको बिल्कुल फॉलो करनी है वो चीज। जैसे कि आप जब भी घोस्ट राइटिंग करें या फिर जब आप अपने क्लाइंट के आइडियाज को आप लिखें, तो सबसे पहले क्या है उन्हें बोले कि ऑडियो या वीडियो जो है वो आप तक भेजे ताकि आप उसको ग्रास्प कर ले, ठीक है। और उसको आप नरेट जब करेंगे तो सबसे पहले उनके थॉट्स, आइडियाज, पर्सनैलिटी, वे ऑफ टॉकिंग, वो क्या सोचते हैं, उसको आपको क्या करना है, उस पर पोर्ट्रे करना है, उसको एज ए हूबहू लिखना है ताकि लगे कि ये आप नहीं, ये क्लाइंट जो है जो अपने बारे में नरेट कर रहे हैं वो खुद लिख रहे हैं। अगर आप ऐसा करने में सक्षम होते हैं, अगर आप इस तरह की राइटिंग कर सकते हैं जिसे आप घोस्ट राइटिंग करते हैं, जो कि बिल्कुल बैकग्राउंड में रह के वर्क होता है बट उसकी पेमेंट काफी हाई होती है, तो आप ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप जाकर के घोस्ट राइटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो अगर आप आई राइटर की बात करें, कंटेंट मार्ट की बात करें, अपर की करें, या कोई भी फ्रीलांसर है, guru.com है, चाहे आप PPH की बात करें, यहाँ पर जाके आप घोस्ट राइटिंग करते हैं जिसकी पेमेंट काफी हाई होती है, जो मैंने अभी भी बताया कि $25,000 से भी ऊपर की पेमेंट होती है। तो अगर आप घोस्ट राइटिंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इन सब प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप ट्राई करें। एंड आई होप कि आपको घोस्ट राइटिंग समझ में आ गई होगी कि क्या होती है। जस्ट इनविजिबल राइटर, आपको क्रेडिट नहीं मिलता इसके लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जल्द ही। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद।